अगर आप जानना चाहते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म की कहानी तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब टू विनम गाइडेंस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद अग्रवाल, स्वागत है आपका विनम गाइडेंस में। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूं लिपिड मेटाबॉलिज्म की, और इससे पहले कि हम मूव करें मेटाबॉलिज्म की तरफ, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ लिपिड इज। तो लिपिड क्या है? लिपिड बेसिकली जो फैट्स जो आप अपने फूड में भी कंज्यूम करते हैं वो लिपिड ही हैं। और ये बनता कैसे है? जनरली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की हेल्प से। ये ग्लिसरॉल क्या है? 3 कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं, बाकी हाइड्रोजन से इसकी वजह से कंप्लीट कर दो, ये बन गया ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन कार्बन की है। ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स कार्बन है, कार्बन, ऑल दीज आर कार्बन। एंड एसिड द एंड पॉइंट ऑफ दिस चेन कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी वजह से इसका नाम पड़ा फैटी एसिड। अभी कल परसों मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछ रहे थे कि ये फैटी एसिड क्या होता है, एमएससी के स्टूडेंट पूछ रहे थे, बताओ हद है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई मतलब ट्रीन, ट्राई एसाइल, एसाइल यही पोर्शन इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये है ही एज इट इज। कैसे बनेगा देख लेते हैं। सपोज एक ग्लिसरॉल है जिसके ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, और ये फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके पास से अब OH निकल चुका है, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इसके साथ लॉन्ग कार्बन चेन तो ये 3 अलग अलग फैटी एसिड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही हो, अलग अलग 3 फैटी एसिड्स हो सकते हैं। इसके साथ यहां पर बन जाता है ये एस्टर बॉन्ड 1, या इस अगर ये 1 है तो इसे 1 मान लो, ये 2 और ये 3, तो ये एस्टर बॉन्ड में यहां पर आ गए, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा ट्राई यानी कि 3 एसाइल, यानी कि 3 एसाइल ग्रुप्स आ गए और ग्लिसरॉल। तो 3 एसाइल ग्रुप्स हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये मिलकर के ये इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है लिपिड, राइट। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि लिपिड सारे ऐसे ही हों, इसके अलावा कुछ और भी हैं लिपिड्स जिनके अंदर क्या होता है, स्फिंजोमाइलीन भी होता है कुछ लिपिड्स में, कुछ वैक्स भी लिपिड्स होते हैं एक तरह के। तो फिलहाल उनकी बात नहीं कर रहे, ट्राइसाइक डिसऑर्डर पे फोकस करेंगे मेजर लिपिड। और नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म, लिपिड हो गया। मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 मेन कहानियां चलती हैं, एक सिंथेसिस, मतलब लिपिड की सिंथेसिस किस तरह से होगी, और दूसरा ब्रेकडाउन, मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन किस तरह से होगा। तो इसके लिए तो मेन जो साइकिल हमें स्टडी करनी है ब्रेकडाउन के लिए, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन, मेन जो ये स्टडी करनी है। तो अगर ये दोनों ही पोर्शन में एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे भी नहीं, तो इसको 2 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेसिस की आज बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्रेकडाउन की अपकमिंग वीडियो में। तो सिंथेसिस देख लेते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड सिंथेसिस, कैसे ये बनता है लिपिड, राइट। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
जो लिपिड सिंथेसिस के लिए जरूरी है वो है एसिटाइल ग्रुप. दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. और ये एसिटाइल ग्रुप कहां से मिलता है? ये मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से बनता है? आपने देखा होगा लास्ट वीडियो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल का. अगर नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए. ऑक्सैलोएसीटेट जब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सैलोएसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट. ये बात हमने सीखी थी सिट्रिक एसिड साइकिल में, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मैकेनिज्म नहीं समझाया उसमें, एक बहुत आसान तरीका बताया है पूरी साइकिल हमेशा के लिए याद रखने का, वो आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के. ये सिट्रेट बन गया ऑक्सैलोएसीटेट से और ये प्रोसेस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. मगर मेन मुद्दा यह है कि लिपिड सिंथेसिस होगा साइटोसॉल के अंदर. फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होगा वो साइटोसॉल में होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा. और एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने आप से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, इफ दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नॉट एबल टू क्रॉस इट, राइट? बट सिट्रेट कैन पास थ्रू दिस. तो ये सिट्रेट यहां से पहुंच जाएगा साइटोसॉल में, यहां सिट्रेट आ गया. अब क्या करेगा ये यहां से वापस से बना देगा ऑक्सैलोएसीटेट और रिलीज कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, करेक्ट? और ये ऑक्सैलोएसीटेट वापस से चला जाएगा साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि ऑक्सैलोएसीटेट भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. तो ये पहले बनाएगा मेलोनेट और ये जाएगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर मेलोनेट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट. तो आपको ये साइकिल पूरा याद नहीं रखना, मेन जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं हो सकती. तो एसिटाइल कोएंजाइम यहां से बाहर कैसे निकले? वाया फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट. सिट्रेट बना ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंबाइन करके, सिट्रेट गया बाहर, एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज कर दिया वापस से ऑक्सैलोएसीटेट और वापस से ये वाया मेलोनेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इस तरीके से पूरा सिस्टम चलेगा. अब नेक्स्ट आता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड कैसे बनाएगा. तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, ये एस्टाइल कोएंजाइम ए सी पी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा एसिटाइल ए सी पी. ये ए सी पी क्या है? ए सी पी है एसाइल करियर प्रोटीन, मतलब कि एक ऐसा प्रोटीन जो कि इस एसिटाइल ग्रुप को कैरी करेगा, ठीक है? तो एसाइल करियर प्रोटीन, एसाइल यहां पर एसाइल वर्ड है, एसिटाइल वर्ड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल इस एसिटाइल को ही कैरी करे. अभी एक और दिखाने वाला हूं आपको, मेलोनाइल को भी ये कैरी करेगा एसीपी. तो वो कैसे है? एसिटाइल कोएंजाइम ए इस पर अटैच होगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन और इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. एक एनर्जी खर्च होगी यहां पर
और एक कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के इस एसिटाइल ग्रुप से अटैच होगी, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा मेलोनाइल को एंजाइम ए। अब तक ये टू कार्बन था, अगर आपने देखी हो ग्लाइकोलिसिस की वीडियो, तो पाइरूवेट थ्री कार्बन था। पाइरूवेट से डीकार्बोक्सिलेशन होती है और बन जाता है एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप टू कार्बन था, वैसे भी नाम से क्लियर है एसिटाइल टू कार्बन। और क्योंकि अब इसके पास एक और कार्बन ऐड हो गया, तो अब ये कहलाएगा थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल बन चुका है। नेक्स्ट, इस पर फिर से ये एसीपी एसाइल कैरियर प्रोटीन अटैच होगा और बन जाएगा मेलोनाइल एसीपी। मेलोनाइल प्रेजेंट एट एसाइल कैरियर प्रोटीन। तो इस वजह से इस प्रोटीन का नाम एसिटाइल या मेलोनाइल या ऐसा नहीं है, ये इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, जस्ट इट्स वर्किंग एज अ कैरियर। नेक्स्ट आता है, इस एसिटाइल एसीपी ग्रुप पर आकर के अटैच होगा एक मेलोनाइल एसीपी। अब देखिए, आपको बनाना है फैटी एसिड। फैटी एसिड बेसिकली लॉन्ग चेन होती है कार्बन की। लॉन्ग चेन कितना? 16, 18, 20, डिपेंड करता है कितना लंबा फैटी एसिड हो। तो यहां पर ये तो दो ही कार्बन है या फिर ये थ्री कार्बन है, तो इतना लंबा जो लंबा फैटी एसिड जो बनेगा वो कैसे बनेगा? तो उसको बनने के लिए जो मैकेनिज्म है वो अब हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर ये थ्री कार्बन एसीपी है, ये आकर के अटैच हुआ एसिटाइल एसीपी से, और यहां पर आपका रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और आपके पास जो प्रोडक्ट आया दैट इज एसीटो एसीटाइल एसीपी। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये बेसिकली फोर कार्बन मॉलिक्यूल होगा। फोर कार्बन क्यों होगा? क्योंकि दो कार्बन इसके यहां पर थ्री थे, थ्री में से एक कार्बन निकल गया, दिस बिकम्स फोर कार्बन मॉलिक्यूल। और इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होगा। दिस इज एसिटो एसिटाइल एसीपी, राइट। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, नो डाउट दिस इज फोर कार्बन। यहां क्या सीन है? C16, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि C16 क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, हम बात करते हैं C16 की, ठीक है। दिस इज पाल्मिटिक एसिड, तो हम पाल्मिटिक एसिड की फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं और फोर्थ कार्बन मॉलिक्यूल्स तक हमने जनरेट कर लिया है। लेकिन इस फोर्थ कार्बन में ये वाला जो कार्बन है 1, 2, 3 थर्ड कार्बन, इसके पास कीटोनिक ग्रुप है। और जो आपका इस तरह का फैटी एसिड होता है इसके अंदर सारे ही कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, मतलब बीच में कोई कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। ऐसा कोई यहां पर कीटोनिक ग्रुप निकला हुआ थोड़ी है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये सारे कार्बन सैचुरेटेड होते हैं, इनके पास हाइड्रोजन होता है सबके पास, राइट। और यहां पर कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो आपका पहला स्टेप आता है दैट इज रिडक्शन। और इस रिडक्शन स्टेप पर एक एनएडीएच एनएडीपीएच एक्चुअली NADPH कन्वर्ट हो जाती है NADP पॉजिटिव में और यहां पर बन जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिडक्शन।
पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो दिस इज रिडक्शन स्टेप, करेक्ट। और यहां से नेक्स्ट स्टेप, फिर से नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना। जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो डॉक्टर कहता है पानी पियो, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में से भी वाटर निकलेगा, वाटर निकलने का मतलब एक OH ये निकल जाएगा, और सपोज एक हाइड्रोजन इसका निकल जाए, इस वाले कार्बन का, तो इन इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आ गया दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है, एक OH यहां से और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से, और नेक्स्ट स्टेप पे फिर से रिडक्शन होगी, अगेन रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि फिर से NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव में, और हाइड्रोजन इस कार्बन और इस कार्बन के पास आ जाएगी, दैट मींस अब आपका यहां तक का स्ट्रक्चर CH2 C double bond O ACP, करेक्ट। तो दैट मींस आपका यहां तक का स्ट्रक्चर तैयार है, इतना स्ट्रक्चर फुल्ली रिड्यूस्ड है, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज बुटाइराइल ACP। क्यों बुटाइराइल, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, तो बुटाइराइल ACP, करेक्ट। तो ये स्टोरी यहां तक चली, और फिर यहां के बाद ये स्टोरी वापस से यहां से रिपीट हो जाएगी। रिपीट का मतलब इसमें दोबारा से ये मेलोनाइल ACP ऐड होगा, ऐड होगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकलेगा, यहां पर फोर कार्बन थे, इसमें फिर से ये 2 कार्बन इसके ऐड होंगे, तो बन जाएगा 6 कार्बन प्रोडक्ट, फिर से उसकी रिडक्शन होगी, डिहाइड्रेशन होगी, रिडक्शन होगी, और एंड में आपको मिलेगा 6 कार्बन। 6 कार्बन के बाद फर्दर आपको मिलेगा 8 कार्बन 10 12 14 और फाइनली 16 कार्बन। तो ये है पूरा मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म तो यही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और एक बार में 2 कार्बन एक के बाद एक अटैच होते जा रहे हैं वाया मेलोनाइल ACP एंड रिमूवल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 NADPH एट 2 रिडक्शन स्टेप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 NADP पॉजिटिव एट बोथ ऑफ दीज रिडक्शन स्टेप्स बट नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ NADPH एट डिहाइड्रेशन स्टेप। डिहाइड्रेशन स्टेप पे NADPH का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां जहां रिडक्शन है वहां वहां NADPH से NADP पॉजिटिव बन गया, और इन द एंड आपको मिला 16 कार्बन प्रोडक्ट, राइट। इसकी स्टोइकोमेट्री देखते हैं, अगर वीडियो में आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। जब यहां तक समझ में आ जाए तो फिर आगे देखिए इसकी स्टोइकोमेट्री, देखते हैं क्या है उसमें। तो सबसे पहला स्टेप था वो था एसिटाइल को एंजाइम ए पर एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई थी और एक ATP इन्वॉल्व थी, और आपको मिला था एक मेलोनाइल को एंजाइम ए प्लस ADP क्योंकि एनर्जी यूज हो गई थी। तो इस तरह के एसिटाइल को एंजाइम ए के बेसिकली 7 मॉलिक्यूल्स होंगे,
जो 7 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर और 7 एटीपी एनर्जी को यूज करके 7 मेलानाइल कोएंजाइम ये बनाएंगे और 7 एडीपी जनरेट हो जाएंगी। एक और स्टेप था जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए पर मेलानाइल कोएंजाइम ए ऐड होता था और एक साइकिल में 2 NADPH इन्वॉल्व थे। 2 NADPH इन्वॉल्व थे जब दो बार रिडक्शन हो रही थी और आपको मिल रहा था एक 4 कार्बन प्रोडक्ट प्लस 2 NADP पॉजिटिव। तो अगर इस एक एसिटाइल ग्रुप के साथ एक बार मेलानाइल ग्रुप अटैच हुआ तो ये मिला। अगर 7 मेलानाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 7, एक एन मेलानाइल ग्रुप अटैच होने पे 2 NADPH यूज थे, यहां पर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नाउ दिस बिकम 14 NADPH, यानी कि 14 NADPH मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी 16 कार्बन प्रोडक्ट, क्योंकि दिस वन मेलानाइल वॉज डोनेटिंग 2 कार्बन एट अ टाइम इन वन रिएक्शन। इन 7 मेलानाइल 14 कार्बन मॉलिक्यूल्स विल बी ऑब्टेन्ड प्लस वी हैव 2 कार्बन ऑफ दिस एसिटाइल कोएंजाइम है, सो 14 प्लस 2 विल गिव यू 16 कार्बन, दैट इज पाल्मिटेट। और क्योंकि 14 NADPH इन्वॉल्व हो गए अब तो यहां पर भी आपको 14 NADP पॉजिटिव ही मिलेंगे, जब 14 इसके इन्वॉल्व हैं तो 14 NADP पॉजिटिव मिलेंगे। तो लेट मी राइट इट मोर क्लियरली सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 7 मेलानाइल कोएंजाइम ए प्लस 14 NADPH, यू विल गेट 2 प्लस 14 पाल्मिटेट और पाल्मिटिक एसिड प्लस 14 NADP पॉजिटिव प्लस 7 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक मेलानाइल से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो 7 मेलानाइल से 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, राइट। और अब अगर आप इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड कर दो, वी विल ऐड दीज टू रिएक्शंस, वी विल गेट 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, दैट मींस टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 7 प्लस 1 8 प्लस ये 7 कार्बन डाइऑक्साइड इस 7 कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये एरो के इधर है, ये एरो के इधर है, 7 एटीपी, 7 एटीपी आ गए, 7 मेलानाइल विल कैंसिल आउट दिस 7 मेलानाइल, यू हैव 14 NADPH, व्हाट यू विल गेट, 1 पाल्मिटेट, 1 पाल्मिटेट प्लस 14 NADP पॉजिटिव प्लस 7 ADP। सो दिस इज द एंटायर रिएक्शन, एक पाल्मिटिक एसिड के बनने में 7 ATP यूज हो गए और 14 NADPH यूज हो गए, राइट। तो एक 16 कार्बन प्रोडक्ट बनने में काफी खर्चा आ गया बॉडी का, ठीक है, काफी एनर्जी यूज हो गई।
So this is the main funda. This is the main stoichiometry. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. 16 कार्बन के बाद अगर 18 कार्बन प्रोडक्ट बनाना हो, C18 बनाना हो या और आगे बनाना हो फर्दर, तो कैसे बनाएंगे? तो कहानी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसी अब तक चलती आई थी, कि एक एसिटाइल ग्रुप होगा ACP प्लस इसके साथ मेलोनाइल ACP अटैच हुआ था. मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट. और यहाँ से जनरेट हुआ था एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई थी और आपको मिला था एसिटाइल ACP. ये 4 कार्बन प्रोडक्ट था और फिर इसकी हुई थी रिडक्शन और फिर डिहाइड्रेशन और फिर दोबारा से रिडक्शन और फाइनली आपको मिला था 4 कार्बन, या फिर कहना चाहिए बुटाइराइल को एंजाइम ए. ये 4 कार्बन प्रोडक्ट मिल गया था आपको और फिर इस 4 कार्बन प्रोडक्ट पे ये मेलोनाइल ACP बार बार अटैच होता गया. 7 टाइम्स ये इस पर अटैच हुआ, टोटल 7 टाइम्स अटैच हुआ और आपको फाइनल प्रोडक्ट दे दिया इसने C16 कार्बन मॉलिक्यूल या फिर पाल्मिटेट. रिवाइज्ड, इसके आगे अगर और चलना हो तो इस पर अटैच होगा दोबारा से मेलोनाइल को एंजाइम ए. यहां पर बहुत छोटा सा डिफरेंस जो समझने वाला है, वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि 16 कार्बन के आगे अटैच होने वाला मॉलिक्यूल को एंजाइम ए कैरी करेगा, जबकि अभी तक ACP था गब्बर सिंह जो बेसिकली इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा था. तो अब इस ACP की कहानी खत्म, C16 के आगे चलेगा को एंजाइम ए. और नेक्स्ट स्टेप पर बिल्कुल सेम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ये C16 से अब बन जाएगा C18, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन थे, एक कार्बन यहां निकल गया, 2 कार्बन ऐड हो गए, C18 बन गया. और फिर वही रिडक्शन बिल्कुल सेम, वही डिहाइड्रेशन जैसे ऊपर किया, सेम रिडक्शन जैसे ऊपर किया और फाइनल प्रोडक्ट C18 फैटी एसिड आपके सामने पेश है. तो ये था C18 मॉलिक्यूल बनने का फंडा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक आखिरी पॉइंट इसमें रह गया, वो ये रह गया कि सारे ही फैटी एसिड्स सैचुरेटेड नहीं होते, कुछ फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड भी होते हैं. ये क्या होते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड वो जहां कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड वो जहां दो कार्बन के बीच में, किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आकर के बैठ जाए. ठीक है, तो सारे कार्बन सैचुरेटेड तो होते नहीं, सारे फैटी एसिड्स सैचुरेटेड नहीं होते, कुछ फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड भी होते हैं. तो इसकी सिंथेसिस तो हमने पढ़ ली, इसकी सिंथेसिस के लिए एक मेन एंजाइम गब्बर सिंह की तरह काम करता है, दैट इज डीसैचुरेज. तो ये डीसैचुरेज एंजाइम आएगा और दो हाइड्रोजन इसमें से खींच लेगा, दो कार्बन के बीच में से, और इंट्रोड्यूस करवा देगा एक डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से अब ये फैटी एसिड हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो ये एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल है. इस एंजाइम का नाम याद रखना बहुत आसान, सैचुरेज, डीसैचुरेज, जो सैचुरेशन को रिमूव कर दे या फिर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा दे. मैमल्स के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो 9th कार्बन के आगे, अगर एक बहुत लंबी फैटी एसिड चेन है जिसमें कार्बन बहुत सारे हैं,
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th कार्बन के आगे जो भी कार्बन होगा वहां कहीं भी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाने वाला एंजाइम मैमल्स के पास नहीं है। मैमल्स के पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो 9th कार्बन के आगे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा सके। तो फिर दो फैटी एसिड लीनोलिक एसिड और लीनोलिनिक एसिड, ये दो ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें 9th कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड होता है। लीनोलिक एसिड में दिस इज C18, यानी कि टोटल इसके पास 18 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड 9th कार्बन और 10th कार्बन के बीच में होगा और दूसरा डबल बॉन्ड 12th कार्बन और 13th कार्बन के बीच में होगा, राइट? तो एक डबल बॉन्ड यहां होगा, एक डबल बॉन्ड 13th, 12th और 13th कार्बन के बीच में होगा और टोटल ये C18 है, C18 लीनोलिक एसिड। दूसरा लीनोलिनिक एसिड, ये भी C18 है मगर इसके पास तीन डबल बॉन्ड है, पहला 9th पे, दूसरा 12th पे बिल्कुल ऊपर वाले की तरह और तीसरा 15th और 16th कार्बन के बीच में। तो ये दो फैटी एसिड्स एसेंशियल फैटी एसिड्स में आ जाएंगे। एसेंशियल इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो हमें इन्हें बाहर से अपनी डाइट के थ्रू इंटेक करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो ये मेन कहानी है लीनोलिक और लीनोलिनिक एसिड की, 9th और 12th कार्बन के आगे डबल बॉन्ड। मैमल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो 9th कार्बन के आगे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। इसी के साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म का सिंथेसिस वाला पोर्शन समाप्त और ब्रेकडाउन वाला पोर्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये थी आज लिपिड मेटाबॉलिज्म की कहानी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज ब्लैक थंब को ब्लू करना मत भूलिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं, और प्लीज कीजिए क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए 12 मंथ्स के अंदर। मेरा मिशन है कि मैं उन स्टूडेंट्स तक पहुंचूं जो महंगे महंगे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस नहीं पे कर सकते, और उनके अंदर एक टैलेंट है जिसे अगर सही गाइडेंस मिले तो वो डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे इस मिशन में आप मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और उन लोगों तक पहुँचिए, उन दोस्तों तक पहुँचिए जो वाकई में इस तरह की वीडियोस, इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस डिजर्व करते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे। कुछ और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फैटी एसिड ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।